왜 징계를 받았을까? परमादरणीय जज साहब राजेंद्र चौधरी जी, मेरे बड़े भाई सीकर विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी पारिक साहब, मेरे बड़े भाई नीमका थाना के सम्मानीय विधायक श्री सुरेश मोदी जी, मेरे छोटे भाई फतेहपुर के लाडले विधायक आकम अली खां साहब, मेरे परम मित्र, मेरे साथी, कॉलेज के समय से फिर वकालत में आपके अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भाई राजेंद्र शर्मा जी, महासचिव या मंत्री जो भी मेरे को विधानसभा में पहुंचाने वाले, मदद करने वाले, सीधे खटका दबाने वाले सुरेश भास्कर जी, मेरे गुरु वकालत में आदरणीय भाई जी जाखड़ साहब, हमारे सीनियर अधिवक्ता आदरणीय दामोदर प्रसाद जी, आदरणीय भीम सिंह जी, बदरन सिंह जी, सिखवाल साहब, पुरुषोत्तम जी, कैलाश जी, रणदीप काजला जी, रामदेव सिंह जी, किशन सिंह जी पिलानिया जी, जो मेरे संबंधी भी हैं, हमारे साथ वकालत भी की, एकदम अभिन्न मित्र भी और रिश्तेदार भी, और मेरे एक तरीके से वकालत में गाइडर भी थे। जैसा कभी कभार कोई बात होती है तो वह नहीं है, कोई निकल नहीं है, पिलानिया साहब भी हैं, तमाम सबके नाम लूंगा, समय लगेगा, आपको भी जाना है, छुट्टी भी हो गई है, जज साहब को भी जाना है, हम सब लोग आपके बीच में आए, आपने सम्मान दिया, इसके लिए तो मैं आपका एक साथी विधायक होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने कहा आपका सम्मान करना है, उसका कारण बताया सब, आप सबने मिलकर के सीकर को संभालना है। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने कुछ नहीं किया, एक कहावत है, देने वाला श्रीनाथ जी और लेने वाला श्रीनाथ जी, आप सब लोगों ने मिलकर के हमको इस लाइक बनाया, सरकार बनाई, तो सरकार ने सीकर का अच्छा प्रतिनिधित्व दिया, तो निश्चित रूप से सीकर के लोगों का यह हक था, जो आप चाहते थे हमने बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई सबने मिलकर के, और आपको आपकी जो मांग थी वो पूरी हुई, और हमारे सीकर के लोगों का जो एक सपना था कि हमें संभाग मिले और दीमका थाना जिला बने, उन दोनों के दोनों डिमांडें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की हैं, इसके लिए आप सब लोगों को तो बधाई और शुभकामनाएं, और मुख्यमंत्री जी का हम सब की ओर से धन्यवाद। अभी जज साहब मना कर रहे थे कि आज का विषय मेरा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे साथी आपके अध्यक्ष जी ने कहा है मैसेज ठीक नहीं जाएगा, बात ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह थी, लेकिन मैं एक बात कहते हुए अपनी बात रखूंगा कि राजेंद्र चौधरी जी एक ऐसे जुडिशियल अधिकारी हैं जो बिना लाग लपट के, मैं जिस पद पे आया हूं, जिस स्थान पे आया हूं, जिसका अन्न पानी खा रहा हूं, जिस काम को मैंने चुन रखा है, उसके प्रति मेरा 100% कैसे समर्पण रहे, और मेरे प्रयास से अगर इससे जुडिशियरी का, वकीलों का, उस इलाके का भला हो सके तो मैं संभाव के साथ में करूं, ये जो पारिक साहब ने भी कहा, ये जो इसकी भावना है, मैं समझता हूं कि हजारों में कोई बिरला व्यक्ति होता है जिसके मन में होती है। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया
कि मैंने वकील लोगों से आग्रह किया है कि आपसे मिले, कोर्ट बुलाएं, सब नेताओं से मिले, क्योंकि सरकार जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनी जाती है और जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है, जनता जनप्रतिनिधि से मांग करे और जनप्रतिनिधि अपनी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी से मांग करके अगर सीकर लेके हम लोग कुछ मिलकर के करेंगे तो हम थोड़ा बहुत कर्ज चुका पाएंगे। उस भावनाओं के साथ में मैं समझता हूं कि इन्होंने आपको और हमको एक मार्ग बताया, एक मार्गदर्शन इनका रहा, जिसकी वजह से सरकार ने जो पिछले बजटों में कोर्ट भी खोले, तहसील भी खोली और संभाग और जिला भी खोला, इसलिए किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए सामूहिक प्रयास होते हैं और सामूहिक जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है। हम सबने अपनी अपनी जगह जो काम करना चाहिए वो किया, उसमें आप भी शामिल हैं। अभिभाषक संघ इसके लिए और ज्यादा धन्यवाद का पात्र है कि अगर आप इस तरीके से एक लगन के साथ में, एक उत्सुकता के साथ में, जिज्ञासा के साथ में, एक अच्छे नागरिक की भूमिका में जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए उसमें अगर आप थोड़ी बहुत भी स्थिरता बरतते तो शायद है इस मांग को इतना जोर नहीं पड़ता और हम लोग इस स्टेज तक नहीं जाते कि मुख्यमंत्री जी को हमने मोदी गेस्ट हाउस में जब मुख्यमंत्री जी उतरे तो सामूहिक रूप से कहा आप कुछ दे नहीं दे चलेगा लेकिन नीम का खाना जिला और सीकर संभाग हमको चाहिए। तो ये जो बात है किसी तरीके से ये सब चीज संभव हुई है, चाहे मैं हूं, पारिक साहब हो, चाहे आतम भाई हो, चाहे सुरेश मोदी जी हो, हम आपके कारण हैं, आप हमारे कारण नहीं हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं तो आपने हमारी कलम में, हमारी वाणी में एक ताकत पैदा की है और उस ताकत की वजह से हम आगे आपकी उचित स्थान पर आवाज बुलंद करते हैं और उससे आम जनता के काम हो। यह हमारा धर्म भी बनता है कोई भी हो, और वकील तो देखिए देश की आजादी से लेकर के अब तक जो वकीलों का इतिहास रहा, हमेशा वकील ने जो ठान लिया कि मुझे ये काम करना है वो होके रहता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है और जो जिला जज या हाईकोर्ट के जज के सामने आर्ग्यूमेंट कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता, आप बताओ वो क्या नहीं कर सकता। 18-19-20 साल मेरा भी आपके बीच में गुजरे, अच्छे गुजरे, ये बात अलग है कि मैं बाहर का कभी भी कोई पदाधिकारी नहीं बन पाया। मेरे गुरुजी आदरणीय भागीरथ जी जाखड़ साहब मेरे गुरु, इनके साथ मैंने 4 साल काम सीखा और उसके बाद में जिस सहदाता के साथ में, जिस प्रसन्न भाव से इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब 4 साल हो गए आपको अलग से काम करना चाहिए, ये जलसा बिरले ही कोई गुरु होते हैं, वरना जब अलग चेला होता है तो कटुता आती है और ये कहता है कि मेरा सारा काम ले गया, जबकि बागेजी जाकर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं आज इस मंच से एकदम दिल से बात कह रहा हूं कि अलग काम करने के बावजूद भी कोई आता था क्लाइंट, वो कहता था यार ये काम तो टोटा सर को दे दे, वो गोविंदा है वो कर देगा। तो जो भाव से मुझे आशीर्वाद दिया मैं समझता हूं कि वही भाव आप सबका आज बना हुआ है। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि 8 दिसंबर 2008 को जब मैं एमएलए बना और मेरा रिजल्ट आया कि मैं 34 वोटों से सही लेकर विधायक बन गया, मैंने सबसे पहले जो प्रण लिया या मन में शपथ ली, वो शपथ जो एमएलए की होती है वो बाद में ली, पहले ये ली कि भाई अब वकालत वाला काम दोबारा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब अपने को एक काम करना है, वो करना है जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा। और आप सब इस बात के गवाह हैं
कि 8 दिसंबर 2008 के बाद में, जबकि बहुत ऐसे एमएलए मिल जाएंगे, एमएलए रहते हुए भी आएंगे, जूनियर से भी थोड़ा बहुत खर्चा पर्चा लेंगे, फाइलों को दबा के रखेंगे, है ना, क्लाइंट से भी संपर्क करेंगे। मैंने 8 दिसंबर 2008 के बाद में न तो फाइल देखी, न जूनियर को पूछा क्या कर रहा है, न कभी इनसे 100 रुपए लिए और न कभी क्लाइंट से बात की। मैंने सोचा गोविंद डोटासरा तेरा जीवन अब इसी दिशा में चलना है, जो कर लिया वो कर लिया, अब इस दिशा में करना है, और इस दिशा में अगर करना है तो ढंग से ईमानदारी से जज के करना है, जिससे दोबारा ये मौका नहीं मिले कि अब मैं क्या करूं। निश्चित रूप से आप सब लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा, उसी का परिणाम है कि आज जो भी काम हम लोग कर पा रहे हैं आपके आशीर्वाद से वो कर रहे हैं। पारिक साहब हमारे नेता, हम लोग इनके कार्यकर्ता, और हमें गर्व महसूस होता था कि हम पारिक साहब से भाई साहब से भाई साहब ज्यादा कहते थे, आजकल तो पारिक साहब कहते हैं। भाई साहब से मिलके आ गए, भाई साहब ने कहा अंदर कमरे में छोटा सा कमरा होता था, साफ सफाई तो ब्राह्मण आदमी रखते ही हैं, बहुत सुंदर सी बेड सीट, अच्छा सा दो कुर्सी, उसी पे खाना, इसी पे बैठाना कार्यकर्ताओं को, और बहुत अच्छा लगता था हमको, क्योंकि बिल्कुल ही जनप्रतिनिधि होते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को अपने बेडरूम तक ले जाते हैं। पारिक साहब एक ऐसे नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को बेडरूम तक ले जाते हैं और सम्मान देते हैं। तो वो चीज मैंने सीखी, और मैंने दिन में कभी भी रेस्ट नहीं किया कि आज एमएलए साहब सो रहे हैं, 2 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, क्योंकि मेरे मन में था कि जब हम लोग कार्यकर्ता के रूप में जाते थे जलसा, तो हमें लगता था कि हमारा नेता हमारे लिए तैयार रहना चाहिए, 1 घंटा वेट कराता तो मन में एकदम कुलबुलाहट होती थी कि ये क्या हो रहा है, हम तो यहां बैठे हैं और नेता सो रहा है। तो मेरे एक दिमाग में भाव आया कि यार अगर करना है तो जब तक ही करना है, जब तक दिन में सोना नहीं पड़े, और लोगों को यह नहीं करना पड़े कि हमारा नेता सो रहा है, 4 घंटे से हम वेट कर रहे हैं। हालांकि मेरे राजनीतिक गुरु नारायण सिंह जी बीच में 2 घंटे सोते थे, सबकी आदत पड़ गई थी कि नारायण सिंह जी से 1 बजे से 3 बजे के बाद में, 1 से 3 के बीच में उनसे कोई नहीं मिलना है, 3 बजे बाद में मिलो और 1 बजे पहले मिलो, वो एक अलग बात थी, उनका अपना जो स्ट्राइक था। लेकिन वो भी जब मिलते थे तो उस कार्यकर्ता से, उस व्यक्ति से ऐसे आत्मीयता भाव से मिलते थे, और जो नहीं होने वाला था तो वो कहते थे ये नहीं होगा, और मैंने एक बात उनकी पकड़ ली कि नहीं होने वाला है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, और होने वाला है तो 101% करण। ये बात मैंने उनके आशीर्वाद से उनसे सीखी कि भाई जो नहीं होने वाला है उसके चक्कर मत काटना। तो आप सब सही कह रहे थे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधियों ने बात कर रखी थी कि जिला बने एक भी राजस्थान में तो आज मुख्यमंत्री जी हमारा है और हम सब 8 के 8 जीते हुए हैं, तो नीम का थाना बढ़े, और अगर एक भी जिला बढ़ जाए तो फिर संभाग बढ़े, और संभाग बढ़े तो सीकर बढ़े। और हमारे पीछे आपकी ताकत थी, आपका आशीर्वाद था, आपका जो सहयोग था, निश्चित रूप से उसके कारण से यह संभव हुआ है। अब पारिक साहब ने, हमने सबने मिलकर के, चूंकि संभाग मुख्यालय हो गया, ये जिला मुख्यालय से ऊपर कैटेगरी बढ़ गई है, इसलिए संभाग मुख्यालय के ऊपर कई दर्जनों कार्यालय आएंगे, 300-400 अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की पोस्ट भी सैंक्शन होगी, आईजी आएगा, रेंज खुलेगी, चीफ इंजीनियर पीजी बोर्ड का आएगा, पीडब्ल्यूडी का आएगा, दूसरे विभागों के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बैठेंगे, शिक्षा हो चाहे दूसरा कोई महकमा हो, सब चीजें आएंगी। मेरे को पूछने लगे कई लोग कि संभाग से फायदों के, मैंने कहा इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत फायदे, शायद बहुत से कम लोगों को पता होगा, वकीलों को तो पता रहता है, और वकील को तो यही है कि केस ज्यादा होगा,
डिविजनल कमिश्नर के अंदर कोनी जानू पड़ा है, जयपुर वाला वकील के अंदर जिला पीसा जाता है, आपने सीख रहा है। लेकिन इसको सही मायने में अगर पूछो तो इसके इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं। आज देखो हमारी विडंबना देखो कि हमारा जो चीफ इंजीनियर है बिजली का, वो झुंझुनू बैठता है, जबकि सीकर का झुंझुनू क्यों? और अब तो चूंकि संभाग हो गया, लेकिन वहां सीसराम जी ओला मजबूत नेता थे। हमारे नेताओं ने उस वक्त हो सकता है संज्ञान नहीं लिया होगा, तो चूरू का, सीकर का और वहां का एडिशनल चीफ बिजली का वहां बैठता है। मैंने भारत साहब सही कह रहे थे कि विकास में आपको एक आगे की सोच के चलना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा 2030 की ओर हम देख रहे हैं, इसका मायना यह था कि हमारा स्टेट हर क्षेत्र में अव्वल बने, उसके लिए एक विजन पेश करना पड़ता है कि कब तक। तो उनका यह कहना था कि चिकित्सा में और शिक्षा में हम आज भी ऊपर के 1-2-3 नंबर में हैं, तो अन्य सेक्टर में भी हम लोग काम करें और 8 साल में इतना काम करें हम सब मिलकर के पूरे प्रदेश के लोग, कि हिंदुस्तान में किसी स्टेट को अगर कहें तो राजस्थान नंबर 1 हर क्षेत्र में बने, ये विजन हमारा सबका होगा। और जब तक हम विजन नहीं रखेंगे, जब तक मांग नहीं करेंगे, जब तक उसका लोगों में जागृति नहीं पैदा करेंगे, तब तक कोई चीज संभव नहीं। जब शुरुआत हुई थी संवाद की तो सब लोगों ने यही था, यार संवाद का क्या है। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जब मैंने बात की तो यार संवाद से क्या फायदा है, क्या है संवाद में, बिना मतलब आई जी जाएगा, जयपुर के सीकर के कितनी दूरी है। तो मैंने समझ लिया आज इनका मूड नहीं है। मैंने कहा हाँ साहब बात तो आपकी भी ठीक है, फिर दोबारा कभी हम दिल्ली जाते, ज्यादा जाना साथ में हुआ तो कभी फ्लाइट में बैठे, तो एक दिन फिर बात करी तो यार एक संभाग कैसे खोलेंगे। तो मैंने मेरे स्टाफ को कहा कि यार पता लगाओ कौन सा संभाग और बढ़ सकता है। तो मैंने कहा साहब एक पाली भी बन सकता है। बोले यार पाली के जोधपुर के कितनी दूरी है। तो मैंने कहा अभी मूड बढ़ा। तो जब जिलों की बात आई तो रामलोभैया जी की कमेटी को दायित्व दिया, तो रामलोभैया जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने उनसे धीरे से पूछा कि क्या है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, जिले विले बनाएंगे कि कमेटी बना के। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है। मैं अपना मन मूड बढ़िया लाके पहली मुख्यमंत्री जी की आशा की कि फिजूल खर्ची में थोड़ा कम विश्वास करता, वो नया कपड़ा पहन जाते हो तो मिल बन कोई नेत तो जब भी, पर शक भी जल्दी से करता, कहीं कि कोई ओवरों धन आए होगी के चक्कर है। तो मैं 8 से 13 में गया तो भारी साहब सही बात है, थे तो कहते खराब कपड़ा पहरिया को नहीं, लेकिन मैं कोई कालत हटड़ पहरे जाते तो मुख्यमंत्री जी बहन नहीं करते, क्या नया नया थोड़ा एमएलए बनाया कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा था। लेकिन अब की बार मुझे काफी नजदीक रहने का मौका मिला। पहले भारत साहब मंत्री थे, जोधपुर के प्रभारी भी थे, 24 घंटे हर काम में इनकी सहभागिता रहती थी। लेकिन उनका दिल इतना कोमल है कि अगर उनको ढंग से कोई बात समझाओ और समझ में आ गई तो उसके बाद में विकास के काम में वो किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ो। और धीरे धीरे माहौल बढ़ने लग गया तो वो हंसने लग गए, तो मैंने समझा कि अब काम बढ़ सकता है, लोहा गर्म है, इसके ऊपर अपने को हथौड़ी मारनी चाहिए। और जब लक्ष्मणगढ़ में आए तो हम सबने मिलकर, जो नहीं आए उन्होंने भी फोन फान किया ही होगा, मैं तो क्यों किसी के लिए कहूं भाई नहीं किया, सब ने किया। लेकिन हम जो मौजूद थे उन सब ने, वीरेंद्र जी और हम सब जो मंच पर बैठे हैं, उन्होंने सबने एक ही बात कही तो मेरी तरफ देखने लग गए। तो मैंने कहा साहब अब ये सारे कह रहे हैं तो देख लो, मुझे तो कोई, मैं तो, हम तो सब साथ हैं। तो मुस्कुरा के सब दिए, मैं समझ गया कि आज मौका है। और वहां पर हमने कहा तो धीरे से उन्होंने कहा थोड़ा सब्र करो, अब फिर झटका लग गया,
जिसे आप कमेटी का 6 महीने पहले कार्यकाल बढ़ा दिया, तो सबके पत्रकार हो चाहे नेता हो चाहे जिले बनाने वाले हो, सबके कान नीचे के बच्चिया छवि गति के कंजूस बहुत देवत हो और कमेटी बना रहा के काटा है। मैंने धीरे से तरीके से मैं के साथ देखो ताकि इच्छा हुआ तो बढ़ाओ, ताकि इच्छा हुआ तो नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर फिर बढ़ाओ, ये 16 तारीख की बात है कि अगर बढ़ाओ तो अभी बढ़ा दो, नहीं 2-3 महीना बाद में बढ़ावा से कोई लाभ को नहीं मिला। बोले आप अध्यक्ष आप तो क्या करना चाहिए, मैं क्यों झाटो तो बहुत जरूर होता है, फिर भी लाट नहीं हुई, नहीं यू हुई नहीं यू हुई, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार उनका एक नारा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मैं जब 17 तारीख को बजट वाले दिन गया तो बाहर मीडिया ने मुझे पकड़ लिया, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हूं तो पकड़ लिया कि साहब बजट में जिले में लेने के लिए एक ही सवाल था, दूसरा कोई सवाल नहीं। मैंने कहा पहले जिला संभाग नाम बोलू का सवाल पूछो, ऐसे कैसे अकेले जिले की क्या बात हुई, तो कहा चलो बता दो जिला और संभाग मिलेगा कि नहीं। मैंने कहा भाई 100% मिलेगा, एक मन में कॉन्फिडेंस था, मुझे पता नहीं वो खोल रहे थे नहीं खोल रहे थे, मुझे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, मैं झूठी बात करता, लेकिन एक मन में साथ रहते रहते उनको समझ लिया था और हमारे सीकर के लोगों की भावना उन्होंने पूरे तरीके से भाप ली थी कि ये सब लोग इस काम में एक हैं और 8 में से 8 का जब सहयोग मिले तो उसके बाद में कोई भी नेता हो कोई मना नहीं कर सकता, तो ठीक हो गया काम। ये बात जरूर है कि अभी आकब भाई कह रहे थे कि जोश जरूर कम लगे हो, तो वकीला को जोश दिमाग में है, ताड़िया में वही बनी है, तो दिमाग से आपको खेल करे जोश दिमाग और खंजाई जगह ले जाए जो तो। ताड़िया वो जोश आके कहने को नहीं, ताड़ी तो आप बचवावे और आप बनी चोट आपने सागे ग्राहक सागे में चोट करवाड़ा ग्राही आ मैं बाकी जी जाकर साहब के साथ एक जब जूनियर था तो एक सेवा का था गोरू राम, तो उसका केस था, मैंने पहले कहा कि नहीं पता नहीं मेरे याद में नहीं है, जब साहब बैठे हैं तो मैं कह देता हूं, तो उसका केस था मुंशी मजिस्ट्रेट के यहां, तो उसको सजा हो गई कोई दारू का मामला था, तो वकील साहब ने कहा रोहित जी बुलाओ, बोले भैया अपील करना पड़ेगा सजा हो गई, तो कहा साहब करो अपील, तो इन्होंने कहा फीस दे, बोले ले आऊंगा कड़े जमा दे दो करो टाइम, तो इनकी बहुत अच्छी आदत थी कि कोई कागज आ गया तो रखते नहीं थे कि रात को जाके करूंगा, वहीं अभी अंदर लाइब्रेरी रूम में बैठे दावा ड्राफ्ट किया चल गया, किसी का देख करके कभी टीपा नहीं हुआ, वरना 90% वकील हम दूसरे का दावा देख करके ड्राफ्ट करते, ये हमारी खासियत है। इनसे मैंने ये सीखा कि खुद का काम खुद करो, किसी दूसरे दावे को कभी नहीं देखा, जो आता था वो खुद ड्राफ्ट करते, इन्होंने अपील करके दूसरे दिन फेस कर दी, 2-3 दिन बाद में वो गुरु राम आया, इनको याद है कि मुझे पता नहीं लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, तो कहा गोविंद जी गुरु बुलाओ हम चले गए, इन्होंने सोचा तारीख ले ली, जाके एडीजे थी वो महिला थी पता नहीं कमला दत्त थी बरखा दत्त थी जो भी थी जो भी थी, तो जाते ही कहा डेट दे दो मुझे वहां गया, डेट क्यों दे दो इसका फैसला ही कर देते, तो इन्होंने मेरी तरफ देखा मैंने गोरू की तरफ देखा, तो गोरू ने कहा ऐसे जेल की तरफ कर देगा चिंता ही मत, मैंने साहब को कहा कि फिट है काम, अब वो एक तोलिया था ऊपर सफेद सा वो डाला हुआ था, तो जेब मेरे को दिखा नहीं किसी ने, मैंने सोचा फीस आ गई मैं जो गोरू जी आए हुए और बहस कर रहे हो, वकील साहब चलो छोड़ो इसको बरी किया, उसी टाइम बरी कर दिया, वकील साहब एकदम उन्होंने कहा बरी करा के आता तो वकील की तो यही जीत है और कौन सा ऐसे जीतना है, जब केस फेवर में आ गया तो वो तो बल्ले बल्ले, तो ये आगे आगे मैं पीछे पीछे और गोरू राम हमारे पीछे रह गया,
जब बरामदे में आकर के इनके सीट पे आया तो ये बैठते ही गोरू बोला फीस को भी मैं देखियो वो साहब गोरू आयो तो देखियो बोले बोले यार कोई कान नहीं काट गया देख करिए मैं वापिस गया गोरू की था नहीं मैं भक्के किलर के पास गया तो टैक्सी के हाथ ले तो मैं क्यों भाई गोरू जी अठी लाओ वकील साहब बोला मैं बोले मन हाँ वो खान ले मैं देखियो अगर इनके देंगे फीस के लिए बुलावे तो वे तो चले नहीं चले बोले चलो मैं सोचा यार इसका मतलब तो आदमी तो ठीक है वो आया और वकील साहब ने कहा हाँ बोल दी वैसे बरी हो गया बोले तो थारो का ही रोल है मैं जूनियर ही था मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है बोले थारो के रोल है बोले रोल क्या है बोली बरी कराया इधर बोले थे कराता ना नीचे कोर्ट में करा था मैं बोले सजा होता ही रात ने बालाजी ने स्वामी बोली और बालाजी छाया रात ने आया हनुमन बोलिया गोरू तू बरी हुए लो घर चलियो सीकर और मैं बरी हूं बालाजी के स्वामी कर छू थे दोनों जीन बाल आ जाए जो ऐसा नहीं कि हम ही चोट करते हैं भाई साहब चिंता मत करो हमारे साथ भी चोट करते हैं लोग लेकिन ये बात जरूर सही है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है चाहे वो वकालत का काम करे चाहे वो जनप्रतिनिधि हो अगर वो दिल से काम करता है तो उसके काम का मूल्यांकन होना चाहिए और काम का मूल्यांकन होता है तभी वो आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है तो काम कराता है उसको जोर सकता है अब इतना सारा काम करावा और रिजल्ट आवे इतने से हारे या तकलीफ तो हुई और आत्मा थारी तो एक दिन रोवे दूसरे दिन और रुपया दे देना अपील कर दो जब और थारी तो सही हो जाए लेकिन मांगी तो 5 साल रोवे 5 साल रह रह करके क्यों समृद्धि वन क्यों बढ़ायो नवनगर रोड को पुलियो क्यों बढ़ायो मैं कई बार भाई साहब ने उनको नेवलगढ़ रोड पर पुड़ी उतारा बोले भाई जी नेवलगढ़ रोड जाटा को भरोसा तो नहीं मेरे एक बार पुड़ी उतार तो बोले अब मैं बैरिया की मंत्री बन गया तो दिल्ली लिए या मंत्री दूसरो और मैं बोलो कह रहा देखो टेलीविजन है और फिर तो काट रात की बात लगा दी 27 बंदा रोड की खाया मना लिया तो मां में भी चोट रही हूं इसलिए बार बार खाने बीच बीच में कहा ध्यान रख लो ध्यान रख लो क्योंकि वकील की रेंज बड़ी है वकील जज से सी की बात करे जज से करवा को मतलब एक तरीके से भगवान से ही करे जज तो भगवान को ही रूप हुआ है अब आप सही करे आप मारे राहुल गांधी जी की वो कानून बनवा के बाद में भी ई तारा के मान्य तिब्बती सजा को नहीं भी जल्दी राहुल गांधी जी देते तो जज सच होता है फैसला फैसला होता है और फैसला अवेलेबल होता है इसलिए उसके ऊपर किसी को कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है लेकिन भाई ये चोट खैडो है नहीं या रह रहे याद प्रॉब्लम इसलिए अब जिला बनगा संभाग बनगा पाता पाता होगी इनको शुभारंभ की ओर उठाई जाए तो मेरे सब लोग जनप्रतिनिधि एक तो थाकेस जगह सेक्रेटरियट या मिनी सेक्रेटरियट जो भी है बी के लिए पारिक साहब और हम सब ने मिलकर के 50 करोड़ की डी जो भी डीपीआई या डीपीआर भेजी है तो वो पैसा हमारा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर आपका पैसा प्राप्त होगा जिले पर झंडोकत पैरामा मैं काल परसों मुख्यमंत्री जी ने कह रहे उनको लंब कैसे मैंने कहा संभाग रहा तो कोई खास बात को नहीं वो भी साझे हो जाए लेकिन जगह के जिलो खुले है ना अगर 15 अगस्त ने झंडो नहीं पैरा हो तो लोग मानने का बोल तो मैं उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त को नीम का थाना जिले का
राजस्थान सरकार का कोई मंत्री झंडा फहराए, ये हमारी पूरी भावना है। और आप लोग संभागे जिले के सागे सागे चाल रहे, तो अगर आपको जिलों को झंडो पहरी जगो तो संभागीय आयुक्त के ऑफिस के ऊपर भी झंडो सीकर में 15 अगस्त में फहरा। अब पारिक साहब कह रहे रुपया मांगो, प्रति मांग रहा कौन? राजेंद्र जी शर्मा जी के कोई मांग रहा है कि आप हम तो करेगा ही गुरु। दूसरा का उम्मीदवार है बच्चे फिर आया नहीं है, फिर कोई को उम्मीदवार बने को तो वो भी है कोई मांग रहा। तो रुपया मांग से तो मिल, और मैं आवा पारिक साहब स्थानीय विधायक और आपको सम्मान मोदी जी को राकम अली खान साहब को करो, और जज साहब जका ठाकुर बहुत बड़ो अगर कोई सहयोग कर रहे है ये पूरे कार्यकाल में तो मासे भी 21 सहयोग है वो राजेंद्र चौधरी। मन बार बार कह रहे लक्ष्मणगढ़ में कोर्ट बना दो, अठे बना दो, काल परसों बोला मुख्यमंत्री जी से समय दिवाओ, हमारे जुडिशियल जो अधिकारी है बाकी जी मांग है बिने भी मैं रखना चाहूं, तो मैं खास से आग्रह करूं जल्दी थे एक दो तीन दिन में पधारो, मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर ली ताकि एसोसिएशन की जो भी मांग पत्र है आप ले आ जाए जो मुख्यमंत्री जी के साथ, ताकि ये अगले हफ्ते में वार्ता करा देगा जो भी था बात है, क्योंकि ये मांगो काम मोटा मोटा कर दिया तो मारो भी धर्म बने है कि मैं भी ताकि भावना आगे तक पहुंचावा और जितो हुए जितो मान से सहयोग करा। व्यक्तिगत काम तो कोई है नहीं, समाज के लिए आप कर रहे हो, समाज के लिए हम लोग सब कर रहे हैं, तो हम सब लोग तैयारी के साथ में करेंगे। क्योंकि मैं वकील हूं, अभी भी बार का मेंबर हूं, उम्मीद करता हूं और संकल्प लेता हूं कि दोबारा वकालत करने नहीं आऊंगा, आपका किसी का केस नहीं छीनूंगा, क्योंकि आप छीनवा भी बंदे भाई वे प्रभाजी जी बैठे हमको प्रभाजी जी नियम का दर्द कर जैसे बोले 2-1 साल काम सीख कर जैसे जो शायद इस्लामुद्दीन जरा जी हाँ बसता 5-5 आवे तो प्रभाजी जी का ही आवे। अच्छी मेहनत है, अच्छा काम किया। इसी तरीके से अगर संकल्प के साथ में आप नए लोग ज्यादा हो, पुराने लोगों का एक समय होता है और उनकी उतनी शक्ति भी नहीं होती है, तो नए लोगों को हमको मेहनत करनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो मैं कहता हूं कि इस वकालत की प्रोफेशन से बढ़िया कोई दुनिया में प्रोफेशन नहीं, क्योंकि अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो जब आजादी हमारे देश को मिली थी और आजादी के लिए संघर्ष किया था उसमें 90% वकील थे, अगर वो वकील नहीं होते तो हो सकता है इस देश को आजादी मिलती या नहीं मिलती ये प्रश्न आ सकता। इसलिए वकील का अपना टेकोर होता है भाई, थानेदार से सेटिंग करवा जाऊंगा जहां तो वकील बना, ये तो काम सही किया, सब रजिस्ट्रार को सेटिंग भी करी और वकालत भी करी, लेकिन बड़ा वकील को नहीं बन सकता। तो मैं खास है वो आग्रह करूं जितना नौजवान साथी है बड़ा वकील बनो, नेता हो चाहे कोई अधिकारी हो आपको सलूट करेगा, क्योंकि वकील बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वकील से जो संविधान है बाबा साहब ने दिया हुआ उसकी रक्षा होती है, उसकी पालना होती है और देश के लोगों का भला होता है, उनको न्याय। इसलिए मैं चाहे विषय से हटके मान लो, चाहे कैसे भी मान लो, बड़ा मान लो, छोटा मान लो, कि मनोज ने मत दो भाई जी टाइप करवाने का टाइप कर दीजिए, ताओ खुद ही लिखो फिर ही को टाइप कर दे, वो टाइप का लेवल 150 रुपया और ताओ टाइप करवा का लेवल 3000, तू कहो कहो मेहनत तो मेरी है भाई थारी तो मेहनत है कौन। तो निश्चित रूप से अगर हम ईमानदारी से हमारे काम को सर्वोपरि मान के करेंगे तो वकील की जो इज्जत समाज में है और जो रही है वो एक बहुत बड़ी कीमत होती है, उसको जज को भी वकील साहब आप नाम लेके कभी पुकार वकील साहब ही कहता है, तो निश्चित रूप से हमको हमारे प्रोफेशन में भी अच्छा काम करना है। और मैं पारिक साहब और हम दोनों
मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिभाषक संघ के लिए हम सरकार से आपको 5 करोड़ रुपए और मिलाए, जो लोएस्ट चैम्बर के लिए है। हम दोनों जाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा मुख्यमंत्री 5 करोड़ के लिए हमें अब लोएस्ट चैम्बर के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि वकीलों को बैठने की जगह जाए, क्योंकि सबसे बड़ी वकीला की दुर्नीति हो रही है ना भाई, बैठवा भी नहीं, जगह है नहीं। भाई साहब कह रहे धीरे धीरे सरकारियों के कूट लो, एक पकड़ सरकार है, दूसरा सरकार है, बीच में कूटने की बात बढ़ जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है। ये सीकर में कम से कम नहीं हो, इस बात का हम सब जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन आप वहां सेक्रेटरियट में जाओगे, जिस दिन जुडिशियल कोर्टों के लिए पहुंचाओगे, उससे पहले हम लोग आपको लॉयर्स चैम्बर की सौगात भी इस सरकार से मुख्यमंत्री से टाइम खराब हो। अब देवता करके कहते वो भाषण है, फिर वकील अपने घर में आए तो फिर भाषण नहीं तो क्या हो। तो मैं तो इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, ये मेरी दिल की बात थी जो मैंने कही, किसी को बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, कि जिस जो काम करना उसको ईमानदारी से, जो काम करना हो उसको ईमानदारी से करो। ये ठान के करो कि अब मेरे को तो ये करना है। मैं कहता हूं कोई काम ऐसा है ही नहीं, LLB किए तो दिमाग है तभी तो किए, लेकिन आते अधूरे मन से अगर हम काम करेंगे तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने पूरे मन से आशीर्वाद दिया, हम सबको भेजा सरकार बनाई, तो हमने पूरे मन से आपको जो आप चाह रहे थे वो दिलाने में हमने मदद की। आगे भी एक क्रम जारी रहे इसकी मैं पूरी पूरी आपसे आशा रखता हूं। क्या कौन सा क्रम? वोटों वाला तो नहीं कह रहा हूं, वोटों वाली आज करनी की जलसा बैठे, क्रम यही जारी रहे कि आप जनता की जो डिमांड है उसके ऊपर अभिभाषक संघ सीकर आगे अगुवाई करे। और हम लोग, सरकार हमारी है, दोबारा हमारी आए, किसी की भी आए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि अगर जनप्रतिनिधि और जनता जो चीज चाहती है वो सरकारें नहीं देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से आप सब लोग पधारे, आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छी सी लाइब्रेरी बने, अच्छे से लाइव चैम्बर बने, अच्छे सा जुडिशियल कोर्ट बने, अच्छा सा कलेक्ट्रेट बने, अच्छे से संभाग के कार्यालय बने। ये जो परिकल्पना हम सब ने मिलकर के की है, इसको मूल रूप देने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सब लोगों ने हमारा सम्मान दिया, और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जज साहब आपकी पैठ ऊपर है जुडिशियल में, तो आप चूंकि रिटायरमेंट लेंगे, जब भी आपको रिटायरमेंट का समय होगा तो उनको कहना सीकर के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई आप जैसा अच्छा सा जज ले जाना, जिससे ये हमारा निरंतर काम चलता रहे और हमारा सीकर प्रगति करता रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में आप सब लोगों ने हमारा सम्मान किया। अभी एक बात और कहते हुए बात समाप्त करूंगा। पायलट साहब कह रहे थे कि बागी जी तो दोस्त साथ पढ़ावा, और राजेंद्र जी मेरा पड़ोसी, वो पड़ोसी उत्तराधिकारी बन वो चाहे केवल पड़ोसी को दे रहे जब भी समय आवे, साल दो साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, तीस साल, तो इनको ध्यान ही रखना है। अब जिया को वो चोपड़े दिया को आशीर्वाद दे दी, तो मजाक की बात थी। अरे साहब ने बात पड़ोसी की तो मुझे भी लगा कि ये केवल पड़ोसी नहीं कहना चाहता, इसके मन में चुलबुलाहट और भी है कहीं। सब चीजें प्रकृति के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। अगर हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे, सही दिशा में चलेंगे, सकारात्मक सोच के साथ में चलेंगे, तो कामयाबी जो हमने मन में ठानी है वो हमें मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले कि कार्यक्रम आगे बढ़े, मैं निवेदन करूंगा हमारे वॉलंटियर से, आज के इस कार्यक्रम में
हमारे सम्मानीय अतिथियों और सभी अधिवक्ताओं के लिए अल्पाहार का सामूहिक कार्यक्रम रखा गया था।